प्रीवियस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं अब इन क्वेश्चंस को करने का फायदा यह है कि यू पीपल विल कम टू नो अबाउट कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं राइट क्योंकि एक टॉपिक में यूपीएससी केएस उसके बाद अदर एग्जाम्स और उसके बाद जेकेएसएस भी हर तरह का मिक्सचर इंफॉर्मेशन होती है लेकिन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने का मेन मकसद मेरा ये है कि आप लोग एग्जैक्टली exactly जेकेएसएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं वो आप लोग जानो ऑलराइट right. तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस कहां से उठाए हैं ये सारे क्वेश्चंस हमारी इस बुक में दिए हुए हैं जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ आपको उतारने की जरूरत नहीं है आप लोग इस बुक को बाय कर सकते हैं मार्केट से इस बुक में जेके एस के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस पांच हजार सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज ऐड करें हैं जो आपके रिसेंट जेके एस के सीबीटी एग्जाम में आया तो है आज का हमारा लेक्चर ओके तो इस बुक को बाय करने के लिए आप बेसिकली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके जेके एस के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए ठीक है? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ सॉइल विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया मतलब किस तरह की सॉइल सबसे ज्यादा एरिया जोग्राफिकल एरिया कवर्ड करती है हमारे इंडिया का ठीक है तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं सिलीन सॉइल येलो सॉइल अरिड सॉइल एंड एलोवियल सॉइल इफ यू नो द राइट आंसर वीडियो को पॉज करिए आंसर दीजिए ठीक है आप लोगों के पास पंद्रह सेकेंड का टाइम है वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं ओके okay, सो so देख लिया फाइनली इसका जो आंसर राइट आंसर दैट इज एलोवियल सॉइल क्या आंसर है एलोवियल सॉइल जो है वो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है और ये क्वेश्चन आप लोगों के आ, वो जो, आ, आ, जो first वाला, इंडिया वाला पार्ट है जिसमें फिजिकल पोलिटिकल विजन ऑफ इंडिया वर्ल्ड का है ये उसी पार्ट में से क्वेश्चन है राइट चलिए सेकेंड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है कि रास लीला जो है वो एक पॉपुलर डांस फॉर्म है कौन सी स्टेट की मतलब नीचे जो भी स्टेट्स नाम दिए हैं बताइए उसमें रासलीला जो है वो कौन सी स्टेट के डांस फॉर्म है भाई ये हेरिटेज इंडियन हेरिटेज इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है ये उस वहां से क्वेश्चन उठाया गया है अब इसका ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश कर्नाटक उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु आप लोगों के लिए पंद्रह सेकंड का टाइम है आप लोग पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए इफ यू डोंट नो द आंसर ठीक है तो तो आप मैं बता दूंगा अभी बट अब अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं चलिए इसका जो आंसर है दैट इज उत्तर प्रदेश क्या आंसर है उत्तर प्रदेश रासलीला जो है वो पॉपुलर डांस ड्रांसफॉर्म कौन से स्टेट की है उत्तर प्रदेश की है ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेयर इज द्वार्टर ऑफ यू एन आई सी एफ बेसिकली एब्रीवेशन है इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं यू एन आई सी एफ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड ठीक है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड ठीक है तो अब पूछा गया क्वेश्चन में कि बताइए ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है जिनेवा न्यूयॉर्क ब्रसल या बियाना में तो इसका आंसर भी अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए आपके पास पांच सेकंड का टाइम है कर लीजिए चलिए इसका इसका आंसर आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका है न्यूयॉर्क क्या आंसर है न्यूयॉर्क चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉमिनेट टू मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वीमेन्स मतलब की नीचे जो भी आपको नाम दिए हैं इनमें से कौन से पर्सन के पास पावर है कि वो दो विमेन्स दो वि, वि, विमेंस को नॉमिनेट कर सकते हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है अगर पता है तो कमेंट पे करिए अदरवाइज आप सबको बताया तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक है हमारे जैन की यूटी में एल जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं दो विमेन्स को अगर उनको लगे कि एडवोकेट रिप्रेजेंट की नहीं है तो वो दो को खुद मतलब नॉमिनेट कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट नाइनटीन देखो जम ज, आ, जमन 1989, देखो डैश ऑफ जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट नाइनटीन एटी नाइन डील्स विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत देखो पंचायती राज एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है पंचायती राज एक्ट 1989 आपने पढ़ा है उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि हल्का पंचायत की पावर्स और फंक्शंस जो हैं वो किस चैप्टर में दिए हुए हैं ठीक है ठीके? किस चैप्टर में दिया हुआ है तो इसका जो आंसर अगर आपको पता है कमेंट में करिए अदरवाइज इसका जो आंसर है दैट इज चैप्टर 3 क्या आंसर है चैप्टर 3 ठीक है चलिए अब इससे अगला जो सवाल है ये सारे के सारे सवाल मैंने आपको बताया है, जेके एस एस बी के स्टेटिस्टिकलिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि उठाए हुए ऐसे ये सारे जेके एस एस में पूछे हुए एग्जाम से चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से साल में इन विच ईयर बॉटनिकल गार्डन जो है बॉटनिकल गार्डन सेटअप किया गया ठीक है इन द मेमोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर की यादगार में जम्मू कश्मीर में कौन से साल में बॉटनिकल गार्डन जो है वो सेटअप करा गया तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा ठीक है इसका आंसर आप करोगे कमेंट सेक्शन में अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि आज की जो सीरीज हमने जो करी आप लोग चाहते हैं इसको कंटिन्यू करें ठीक है मतलब जितने भी सवाल हम लोग करेंगे सारे के सारे जेके एस एस सी के एग्जाम होंगे एंड बिलीव मी दिस दिस इज इज गोइंग गोइंग टू टू बी ऑफ ऑफ हेल्प हेल्प गिव यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जितने भी क्वेश्चन देखे क्या कि आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगा कि जो टफ हो किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन टफ है घुसने की कोशिश करते हो एग्जाम में कभी भी डीप में से क्वेश्चन नो डाउट आते हैं वो सौ में से दस पंद्रह क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको करने की जरूरत नहीं होती अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको पूरे सिलेबस की समझ होनी चाहिए इतना काफी है इतना काफी है। आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है तो ये क्वेश्चन मेरा डिस्कस करना है कि मकसद है कि आप लोगों को ये बता सकूं कि एग्जाम में एक्जैक्टली exactly चीजें किस तरह से पूछी जाती है ठीक है वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना कमेंट तो जरूर करना क्योंकि आई आए...